वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में। और आज मैं अपने पहले वाले फार्म पे आया हूँ, क्योंकि इस फार्म पे मैं काफ़ी टाइम से नहीं आया हूँ। तो इस पे जो काम जैसा लास्ट वीडियो में पड़ा हुआ था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। उसके अलावा इस पे कुछ काम नहीं हुआ है। जो पोटैटो मैंने हार्वेस्ट करने के लिए लगाए हुए थे वो भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो पोटैटो भी हार्वेस्ट नहीं हुए हैं। बाकी मेरे पास जो गाड़ियाँ थी मैंने उनका कलर चेंज करा लिया है, एक बार मैं उतर के दिखा देता हूँ। तो ये जो BMW थी इसका कलर पहले व्हाइट था, तो इसका अब मैंने ये ब्लू करा दिया है। वही जो रेंज रोवर थी इसका कलर भी पहले व्हाइट था, इसका मैंने क्रिम्सन रेड करा दिया। ये थोड़ा ब्लैक सा लग रहा होगा अभी, ये एक्चुअल में रेड है। और इसके मैंने अलॉय भी चेंज करा दिया है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ व्हाइट कलर की हो गई थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और बाकी यहाँ का प्लान तो काफ़ी सारी गाड़ियों का था जो अभी काफ़ी लंबे टाइम से पोस्टपोन हो गया है। मतलब इस गेम की वीडियो ही नहीं आई है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो करनी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई हैं। बट अब इस वाले फार्म की वीडियो भी रेगुलर बेसिस पे आएंगी, मतलब रोज़ तो नहीं आएंगी बट एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के। तो इस वाले फार्म पे भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो परचेज करनी है अभी। बाकी इस घोड़े को इसके बारे में पहुँचाता हूँ। हाँ यहाँ पर ठीक है। और अब एक गाड़ी ले लेते हैं, एक गाड़ी लेके चलते हैं खेत में, क्योंकि खेत में पोटैटो हार्वेस्ट नहीं हुए हैं। और जो अपना खेत है दूसरे वाला, जो रेल लाइन के दूसरी साइड है इधर वहाँ पे, उसका तो मुझे पता भी नहीं है कि उसमें मैंने हार्वेस्ट कर भी लिया है या नहीं किया है। तो पहले एक बार दूसरे खेत की तरफ चलते हैं और ये वाली गाड़ी ले लूँ। और ये यहाँ पे इतने सारे स्ट्रॉबेरी के बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मैंने ग्रीन हाउस लगाए हुए थे वो यहाँ से हटाए, तो ये वाला स्टॉक यहीं पे रखा हुआ है, ये अभी यहाँ से हटाया नहीं है। और उस साइड अपने ग्रीन हाउस भी है रेलवे लाइन के दूसरी साइड, तो वहीं चलते हैं, वहाँ देखते हैं एक बार स्टेटस क्या है। वैसे खेत शायद खाली होगा या हार्वेस्ट हो रखा होगा, ध्यान मुझे है नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इन बातों को। पर जो सामने वाला खेत है वो तो मुझे पता है, मैं अभी जब गाड़ियों का कलर चेंज कराने गया था शॉप पे, तो वहाँ पे तो अभी पोटैटो लगे हुए हैं। और ये खेत में क्या हालत हो रखी है, यहाँ पोटैटो ही लगे हुए हैं और ये हार्वेस्ट नहीं हुए हैं अभी, और वैसे ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो ठीक है, ये पोटैटो भी हार्वेस्ट करने हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सामने वाले खेत में हार्वेस्टर को पहले स्टार्ट कर दूँ, देखूँ वहाँ पे हार्वेस्टर शायद खड़ा होगा, ट्रक तो वहीं पे खड़ा हुआ है उसको अनलोड करने के लिए। उस गाड़ी को लेके चलता हूँ सामने वाले खेत पे, और उसके बाद जो दूसरे वाला खेत है इसके लिए दूसरा पोटैटो हार्वेस्टर ले आता हूँ, ताकि जल्दी से इस वाले काम को ख़त्म कर सके। हाँ यहाँ पर हार्वेस्टर रुका हुआ है बोरा सामने, और ये अपनी महिंद्रा रिट्रीवर भी यहाँ खड़ी हुई है, इसको भी हटाना है, इसको भी पार्किंग में लेके जाऊँगा। तो ये वाला हार्वेस्टर रुका हुआ है पूरा फुल होके, ये ट्रैक्टर तो है ही, इसमें पीछे ट्रॉली लग रखी है, इसको यहाँ से जो है खाली कर लेता हूँ। तो इसको रिवर्स करके लगाना काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि ये ट्रैक्टर भी जो है आधा दो पार्टों में मूव करता है, पूरा एक पार्ट में है भी नहीं। इसका आगे का पोर्शन अलग मूव करता है, पीछे का पोर्शन अलग मूव करता है। चलो ये तो हो गया खाली, और इसको भी यहीं खड़ा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पोटैटो निकल रहे हैं। तो अभी इतना सा खेत हार्वेस्ट हुआ है और ये अपना ट्रैक्टर 44% फुल हो चुका है, बस इसको यहीं छोड़ता हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं जो है गाड़ी को छोड़ के आऊँ वहाँ पर। तो इस गाड़ी को फिलहाल यहीं छोड़ देता हूँ, अभी इसको अंदर छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो काम है पहले उसको कर लेते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक और ट्रैक्टर ले लूँ, एक और ट्रैक्टर लेके एक और हार्वेस्टर ले लेते हैं और फिर दूसरे वाले खेत में लगा देते हैं। और ये वाला ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, वैसे ट्रैक्टर तो कोई भी चल जाएगा, ये हार्वेस्टर देख लेता हूँ कौन से वाला है, सेम यही वाला हार्वेस्टर ले लूँगा। हाँ ठीक है, ये वाला हार्वेस्टर एक बार शॉप सामने ही परचेज कर लेते हैं। ये वाला हार्वेस्टर है लीज पर लिया हुआ है, कोई एक को लीज पर ले लेते हैं, क्योंकि काम फटाफट फिनिश करना है। वो खेत काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही पड़े हुए हैं और इसके लिए ट्रैक्टर चाहिए, इसके लिए ट्रैक्टर भी एक लार्ज वाला फटाफट से लीज पे ले लेता हूँ, ये वाला चल जाएगा। कोई से भी ले लो, वापस करना है, कौन सा रखना है तोड़ना है, बस एक खेत हार्वेस्ट करना है। ये हो गया, दोनों काम हो गए, अब इन्हें सामने से ले लेता हूँ। ये है वहाँ पर शॉप पर, ये वाला ट्रैक्टर है, अब इसको बस से अटैच करके और रेलवे लाइन के दूसरे साइड लेके जाना है। और अभी मैंने इस शॉप के साथ में एक और खेत भी लिया हुआ है, ये वाला खेत भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसे मैंने ट्रैक्टर लगाया हुआ है कल्टीवेटर से, वो अभी वहाँ पर काम कर रहा होगा, दिख जाएगा। तो ज़्यादा खेत भी रह जाएगा, तो अपने जितने भी खेत हैं सब में एक साथ नई क्रॉप लगा लेंगे। वो सामने लगा हुआ है ट्रैक्टर वहाँ पे, तो वो तो काफ़ी सही काम कर रहा है, और कल्टीवेटर लगाया है तो काफ़ी जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो वो तो अभी हो जाएगा। और ये वाले पोटैटो जो हार्वेस्टिंग हो रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। वो ट्रेन आने वाली है, घंटी बज रही थी, मैंने फटाफट से फाटक पार कर लिया, और ये ट्रेन टक्कर भी मार देती है, ट्रैक्टर काफ़ी दूर जाए गिरता है, मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। तो बस इस वाले पोटैटो को यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए लगा देते हैं, और यहाँ मैं वर्कर असाइन कर देता हूँ इधर की साइड करके।
तो इधर से पोटैटो हार्वेस्ट हो रहे हैं और अब मुझे एक ट्रॉली और चाहिए होगी, या फिर मुझे उसी ट्रॉली को इधर लाना पड़ेगा और भर के ले जाना पड़ेगा। हो रिवर्स करके ला रहा है भाई देख के आराम से। तो दोनों खेतों में हार्वेस्टर लगा दिया और अभी देख लेंगे हार्वेस्टर जब फुल हो जाएगा तो दोनों में से जो है ट्रॉली ला के आलू अनलोड कर लेंगे और फिर सेल करके आऊँगा। अभी 44% ट्रॉली फुल हुई है, जैसे 100% फुल हो जाएगी फिर उसको सेल कर देंगे। और बाकी यहाँ पे अपनी सारी काउस बाहर घूम रही हैं, अभी एक मिनट देख लेते हैं काउस को भी और यहाँ पे मिल्क भी देख लेते हैं कितना इकट्ठा हुआ है। काउस सारी यहाँ बैठी हैं, इनके यहाँ बैठने की जगह काफ़ी सही है और ये वाला काउ बांध सिर्फ 80 काउ होल्ड कर सकता है। और अपना जो दूसरे वाले फार्म पे लगाया है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, दोनों 400 प्लस वाले हैं वहाँ पे। और वैसे जो दूसरे वाला है 400 प्लस वाला वो इस वाले फार्म पे ही मैं लगा सकता हूँ जो मैंने कस्टम लास्ट वीडियो में लगाया था, बट यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतना काफ़ी है। बाकी अभी मिल्क देख लेते हैं मिल्क कितना है। तो काउ वन में मिल्क तो भी 7873 लीटर ही है, स्लरी काफ़ी सारी हो रखी है और स्लरी का टैंकर जो है बायोगैस प्लांट के पास खड़ा हुआ है जो मैंने लास्ट टाइम बायोगैस प्लांट लगाया था। तो स्लरी के टैंकर को वहाँ से खाली करके यहाँ से कुछ स्लरी और निकाल लेते हैं। स्लरी तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, स्लरी फिल करने के लिए यहाँ पे है ऑप्शन। तो ये रहा बायोगैस प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और बाकी दो तीन चीज़ें और बनती हैं, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही लगाया था ये। एक मिनट इसका भी देख लेते हैं प्रोडक्शन में इसमें क्या क्या निकल रहा है। हाँ तो ये रहा बायोगैस प्लांट और इसमें जो है साइलेज स्लरी मैन्योर और शुगर बीट कट डाल सकता हूँ मैं। अभी आउट गोइंग प्रोडक्ट में डाइजेस्टेट है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, डायरेक्ट गैस बन रही है और डाइजेस्टेट बन रहा है, ये दो तो ऑटोमेटिकली सेल हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस। और ये डाइजेस्टेट है ये अभी सेलिंग मोड पर ही ऑटोमेटिकली, बाकी इसको मैं स्टोरिंग मोड पर भी कर सकता हूँ। और फिलहाल अभी इससे प्रॉफिट तो अच्छा खासा आ रहा होगा, अभी प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी 60 यूरो की। अभी स्लरी डाल रखी है तो स्लरी का एक्टिव है, बाकी सब मैं साइलेज डाल सकता हूँ, मैन्योर डाल सकता हूँ, शुगर बीट कट डाल सकता हूँ। तो अभी स्लरी का काम चल रहा है और स्लरी में है काफ़ी सारी, टैंकर यहाँ खड़ा हुआ है ये भी खाली नहीं हुआ है तो इसमें भी काफ़ी सारी स्लरी पड़ी होगी। बाकी इसका मैंने ट्रैक्टर हटा रखा है, यहाँ से एक ट्रैक्टर लाना पड़ेगा तभी मैं इसको यहाँ से ले जा सकता हूँ। और ट्रैक्टर तो सारे के सारे उधर मैंने लगा रखे हैं, एक गाड़ी ले आता हूँ आज रेंज रोवर को अटैच करके देखता हूँ इससे। तो ये रेंज रोवर इसे निकालते हैं आज, इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसके पीछे मैंने ट्रेलर वाली हिस्स तो लगवाई रखी है और इसको उसे अटैच करके देखते हैं। और अटैच हो गई तो फिर देखते हैं खींच पाएगी नहीं खींच पाएगी, क्योंकि अभी तक जो मैंने सबसे हैवी चीज़ देखी है जिसपे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है वो है ये स्लरी वाला टैंकर, इसमें सबसे ज़्यादा वेट है, इसके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए होता है। तो ये हो गई इससे अटैच और अब देखते हैं इसको खींच लेगी आराम से। तो भी उसमें काफ़ी सारी स्लरी है, थोड़ा सा गाड़ी को पीछे करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट यहाँ से आगे से घुमा के ही ले आता हूँ। अरे यहाँ पे क्यों फंस रही है, यहाँ पे नहीं खींच पा रही। ओ तो पीछे स्लरी टैंकर दीवार से टच हो रहा था इसलिए नहीं खींच पा रही थी, अब निकल गई इजीली। पहले यहाँ पे स्लरी टैंकर को पूरा खाली कर दो, हो गया खाली, अब एक बार फिर से इसको फिल करके ले आते हैं। अंदर का व्यू कर लेते हैं, अंदर का व्यू चाह ठीक है, गाड़ी चलाने में आसान है अंदर के व्यू से, बाहर वाले व्यू थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है गाड़ी को चलाना। यहाँ थोड़ा आराम से उतारूँ, इधर थोड़ा ढलान ज़्यादा है। थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे ठीक है, इसको पूरा पुल भर लेते हैं, हो गया फुल और 20 लीटर आया। और जो इसका पीछे का स्प्रेडर है स्लरी वाला ये काफ़ी जगह अटक रहा है, या तो मैं इसको काम करता हूँ डिटैच कर देता हूँ, क्योंकि ये तब यूज़ आता है जब खेतों में स्लरी स्प्रेड करनी होती है, इसको डिटैच करने की ऑप्शन भी आ जाती है। हाँ इसको हटा देता हूँ, इसकी वजह से फालतू में जो है ना बार बार ये दीवार पर अड़ रहा है, कभी कहीं पर अड़ रहा है तो गाड़ी खींच नहीं पा रही है, क्योंकि गाड़ी ये इतनी पावरफुल भी नहीं है कि ईजिली खींच ले, बट हाँ सीधा सीधा तो नॉर्मली आराम से खींच पा रही है। तो अभी जो अपना बायोगैस प्लांट है उसमें इतनी स्लरी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी तो मैं डाल दिया उसके अंदर, और थोड़ी बहुत स्लरी इस टैंकर के अंदर रह भी गई है। बाकी इस गाड़ी को हटा लेता हूँ यहाँ से, या फिर इसको अटैच ही छोड़ दूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ उसको अटैच ही छोड़ देता हूँ ना, अभी दूसरी गाड़ी तो है ही अपने पास, अभी फिर से स्लरी लानी होगी इसी गाड़ी से लेके आ जाएंगे। बाकी काउस के लिए यहाँ TMR का देख लेते हैं कि सारा रॉ मटेरियल है या नहीं है, सारा के सारा है, अभी हे भी है, साइलेज भी है और स्ट्रॉ भी है, और ये फीडिंग रोबोट है जिसकी मुझे वहाँ पे दूसरे वाले फार्म पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, इससे ऑटोमेटिकली काम हो जाता है यहाँ से बना के ले आके अपने आप काउस को डाल देता है, और वहाँ पे उस वाले फार्म पे मेरे को मैन्युअली करना पड़ रहा है सारा का सारा काम, TMR की मशीन यूज़ करनी पड़ रही है उससे बना के फिर स्प्रेड करना पड़ रहा है।
और काउस अंदर नहीं आ रही है, आ गई एक आध काउस तो, ये रही ये काउ यहाँ पे आ जाती है जब इनको खाना खाना होता है, और इनके पानी का ये यहाँ पे लगा हुआ है, और बाकी ये इनके मिल्किंग की मशीन है जिससे इनका मिल्क निकल जाता है अपने आप। और अब इधर से भी इसको खोल देता हूँ, बाकी यहाँ से अभी मिल्क वगैरह तो लेना नहीं है, क्योंकि जब मिल्क अभी जब पूरा फुल भर जाएगा तब लेंगे, भी तो 7000 लीटर या 32000 लीटर का टैंकर है। और अभी अपना डॉगी कहाँ पे है, डॉगी तो मैंने देखा ही नहीं है, यहाँ पे घूम रहा है ये रहा। इसके लिए भी खाना डाल देते हैं, अब मैं सड आ ही गया हूँ तो आ गया, ये खाना खा रहा है यहाँ पे। तो भी एक बार चल के देख लेते हैं खेत में पोटैटो कितने हार्वेस्ट हुए हैं, और जो बाकी एक दूसरा खेत है जहाँ पे कल्टीवेटर लगाया हुआ है उसको भी देख लेता हूँ। और ये अपनी डेयरी वगैरह तो सही चल रही है, ये डेयरी है इधर, और वहाँ पे सामने जो है अपनी बेकरी है, और इधर ये अपने प्रोडक्शन के लिए शुगर मिल है, और यहाँ पे जो है ग्रेन मिल है, ये दोनों भी जो है काम कर रही हैं अभी तो। और वैसे सामने देख लेता हूँ, सामने रुका हुआ है हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर फिर से फुल हो गया, खाली कर लेते हैं उसको फिर से एक बार। और अभी 44% है, एक बार अभी इसे खाली होने के बाद शायद 50% से ज़्यादा जाएगा, तो एक बार चल के जो है मार्केट में सेल भी कर जाता हूँ, और वहाँ पे देख भी लेते हैं पोटैटो का रेट कितना मिलता है। वैसे तो पोटैटो मैं अपने यहाँ पे भी सेल कर सकता हूँ, मेरे पास जो सुपरमार्केट है वहाँ पे भी सेल हो जाएंगे, वहीं सेल कर देता हूँ, सामने ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया खाली, और पोटैटो में कितना वजन है, इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है इस वाले ट्रैक्टर के ऊपर भी, और अब इसको खाली कर देते हैं, 66% तो हो ही चुका है। बाकी इस ट्रैक्टर को चलाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके टायर इतने ज़्यादा बड़े हैं और पीछे इतनी बड़ी ट्रॉली जुड़ी हुई है, तो मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये शीशा इधर का दिख तो रहा है पीछे का शीशे में, हाँ ट्रॉली दिख रही है। और यहाँ सुपरमार्केट का अनलोड करने का इधर है, हाँ यहाँ पे आ गया पोटैटोस का अनलोडिंग का। और कितना अमाउंट मिल रहा है, 12,483 यूरो मिल गए, ठीक है निकल भी तो काफ़ी सारा पोटैटो रहा है। और अभी क्या है, अभी मेरे को इधर वाला हार्वेस्टर तो मैंने खाली कर दिया, दूसरी साइड वाले हार्वेस्टर की तरफ जाना पड़ेगा। ये फाटक फिर से बंद हो गया, अभी फिर से ट्रेन आने वाली है, निकल लेते हैं ट्रेन को, अब ये फाटक खुलेगा तब जाऊंगा। अबे खोल दो, ट्रेन चली गई, अबे गई तो ट्रेन खोलना, इतना टाइम लगा रहे हैं खोलने में। और हार्वेस्टर फुल होके खड़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ फुल हो गया, इसकी लाइट फ्लैश कर रही है। अबे कर दे अनलोड, कैसे करेगा इसको, बिल्कुल ट्रैक्टर मिला के लगाना पड़ता है। थोड़ा सा आगे से रिवर्स करके लेके जाता हूँ तब यहाँ पे इजीली हो जाएगा, हाँ अब ठीक है। साइड बाय साइड नहीं लग पाता ये, क्योंकि इसके टायर जो है दूसरे ट्रैक्टर के टच हो जाते हैं और इतना गैप आ जाता है, तो ट्रॉली जो है बिल्कुल हार्वेस्टर के पास तक नहीं पहुँच पाती, जहाँ पर हार्वेस्टर का आउटलेट का है उससे थोड़ा दूर हो जाती है, तो रिवर्स करके ले जाना पड़ता है, फिर ये ट्रॉली जो है उससे टच हो जाती है, तो तब वहाँ से वो आलू इसमें अनलोड करना शुरू कर देता है। कर दिया पूरे अनलोड, एक बार में 22% फुल हुई है, चार बार हार्वेस्टर फुल हो जाएगा तब जाके ये ट्रॉली फुल होएगी। और अभी यहीं पार्क कहता हूँ उसको, क्या उसको मैं बार बार लेके आऊँगा यहाँ पे। बाकी मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से अपने सारे ग्रीन हाउस मूव तो कर दिए थे, जो अभी खेत है जिसमें पोटैटो हार्वेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ साइड में रिवर थी, बट अभी जो है वो सारे के सारे ग्रीन हाउस काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें पानी खत्म हो चुका है, तो उनमें मुझे पानी की सप्लाई पहुँचानी है, रिवर वहीं पर पास में ही है वहाँ से लेकर डालनी है। अब उसके लिए मुझे टैंकर चाहिए अपना बड़े वाला, तो अपना बड़े वाला टैंकर वहाँ पे डेयरी के पास खड़ा हुआ तो है, बट कोई ट्रैक्टर फ्री नहीं है, तो मैं इस वाली एसयूवी को लेके चलता हूँ, इससे अटैच कर लेते हैं, ये भी उसको खींच लेगी। अब ये एसयूवी से इतनी पावरफुल है तो इनका मुझे कुछ तो यूज़ लेना है अपने वहाँ पे, ऐसे ही थोड़ा खड़े रखना है उनको। और ये वाटर टैंकर भी काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर, और पानी भरने के बाद तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेट ही हो जाता है। ये रहा यहाँ पे, इसको अटैच कर लेते हैं इससे, तो भी तो वो टैंकर खाली है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला क्योंकि बिल्कुल वेट ही नहीं है।
अभी जब पानी भरेंगे उसके बाद थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, पर इतना भी नहीं पड़ेगा, ये गाड़ी ईजिली खींच लेगी वहाँ से। बाकी अभी चेक हो भी जाएगा, रेलवे लाइन क्रॉस करके उस साइड जाना है बस। अभी तो कोई ट्रेन नहीं आ रही, देख लूँ यहाँ पे। नहीं है, वैसे ट्रेन आ रही होती थी वाला फटक बंद हो जाता। बस अब वो सामने ग्रीन हाउस है और उनके पास के पीछे रिवर है, तो वहाँ से पानी भर के बस पानी डाल देना है। थोड़ा सा गाड़ी को ना मैं एक काम करता हूँ, घुमा के लेके आता हूँ ना, रिवर्स में लेके जाएंगे इस टैंकर को, तो वापस खींचने में आसानी रहेगी। ये इस गाड़ी से रिवर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें पीछे डोली लगी हुई है और पूरी मूव कर रही है, क्योंकि टैंकर डायरेक्टली अटैच नहीं होता ऐसे, क्योंकि ट्रक वाला टैंकर है, इसे पीछे ट्रेलर्स की तरह अटैच करने के लिए डोली यूज़ करनी पड़ती है। इसको पानी में देखना पड़ेगा कि पानी में अगर अंदर चली गई तो ज़्यादा निकलने वाले नहीं है, बट थोड़ा ऊपर ऊपर से साइड से लेके चलते हैं। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ बस यहाँ से रिफ़िल होने लग गया। गाड़ी थोड़ी सी जो है हल्की सी पानी में, ज़्यादा नहीं है, इसको रिफ़िल कर लेते हैं एक बार टैंकर को। टैंकर को रिफ़िल होने के बाद फिर इसको खींच लूँगा थोड़ा सा, गाड़ी को पहले पीछे कर लूँगा और फिर यहाँ से राइट साइड से निकाल लेंगे। टैंकर हो गया फुल और अब देखते हैं, अब वैसे खींच तो लिया है। थोड़ी सी हल्की सी अटकी पत्थर के पास, बट ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं। और मुझे यहीं से जो है पानी देना शुरू करना है, तो इधर की साइड से ही बस लेके चलते हैं, पास पास ले जाना है, पानी देना शुरू हो जाएगा। अभी पानी की ऑप्शन आ गई, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ से सारे ग्रीन हाउसेस को पानी देता हूँ और इन्हें एक्टिवेट तो करने की ज़रूरत नहीं, एक्टिवेट तो हो ही रखे हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई हैं, तो अभी मुझे एक दिन सारी स्ट्रॉबेरी इकट्ठी करके बेकरीज में पहुँचानी पड़ेंगी, क्योंकि ये पहले की हैं, पहले मैंने स्टोरिंग मोड पर कर रखी थी, अब तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट मोड पर कर रखी। तो जितनी भी नई यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आती हैं वो सीधी की सीधी बेकरी में चली जाती हैं, और ये पहले वाली हैं तो इनको मैन्युअली उठा के ले जाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारों के सारों को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो अभी देख भी लेता हूँ, मैंने पानी तो डाल दिया है, हाँ ये तो शुरू हो गया है, इसमें भी शुरू हो गया है, इधर भी शुरू हो गया है। हार्वेस्टर अभी रुकने वाला है, थोड़ी देर में रुक जाएगा, तो मैं जो है ट्रॉली वहाँ पे सामने खड़ी हुई है उसमें जो है इसको अनलोड कर लूँगा, तो ये हार्वेस्टर फिर से हार्वेस्ट कर सकता है। और बाकी इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, मेरे को लगता है कि ये हार्वेस्टर शायद 11 या 12 बार में जाके इस वाले खेत को पूरा हार्वेस्ट करेगा। बाकी अभी इतने खेत हार्वेस्ट नहीं हो जाते सारे के सारे, इतने मैं कुछ नया कर नहीं सकता। तो अभी फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं सारे के सारे खेत ही हार्वेस्ट करके रेडी करके रखूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब हम यहाँ पर नई क्रॉप लगाएंगे। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।